हेलो व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आपको इस बात का बखूबी पता है कि एनवायरमेंटल एथिक्स जो है वो फिलोसफी का एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हम ह्यूमन बीइंग के नेचर के साथ एनवायरमेंट के साथ जो मॉरल रिलेशनशिप हैं जो मॉरल ऑब्लिगेशन है ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग उसको हम स्टडी करते हैं इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि एज ह्यूमन बीइंग हमारे नज़दीक एनवायरमेंट की नेचर की वैल्यू क्या है उसका मॉरल स्टेटस क्या है और इस चीज़ को डिटरमिन करने के लिए यानी हमारी क्या मॉरल ऑब्लिगेशन है हमारा मॉरल रिलेशनशिप जो है वो किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ नेचर के साथ डिटरमिन होता है और फिर हम नेचर को या एनवायरनमेंट को क्या मॉरल स्टेटस असाइन करते हैं उसकी क्या मॉरल वैल्यू डिटरमिन करते हैं हमने दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया था और वो पर्सपेक्टिव जो हैं उनमें एक पर्सपेक्टिव जो है हम उसको कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव, यानी जब हम ह्यूमन बीइंग का नेचर के साथ एक रिलेशनशिप जो है वो डिटरमिन करना चाहते हैं तो उस रिलेशनशिप की डिटरमिनेशन के लिए एक पर्सपेक्टिव जो है वो एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव है यानी जब हम नेचर को एंथरापोपरस्पेक्टिव जो एंथ्रापोसेंट्रिक परस्पेक्टिव जो है उससे नेचर को देखते हैं तो हमें इस बात का पता चलता है कि इंसान जो है उसकी आ, इस कायन के अंदर एक बुनियादी हैसियत है एंथ्रोपोसेंट्रिक का मतलब ह्यूमन सेंटर्ड है यानी हम इंट्रेंसिक वैल्यू या एक जो इनहेरेंट वैल्यू जो है वो सिर्फ़ ह्यूमन बीइंग को असाइन करते हैं जबकि नेचर की हमारे यहाँ वैल्यू जो होती है वो एक तरह से इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हुआ करती है हम नेचर को इस वास्ते वैल्यूएबल समझते हैं कि वो हमारे यानी ह्यूमन बीइंग के किसी इंटरेस्ट को किसी बेनिफिट को फुलफ़िल करती है या हमारी वेलबियंग uh, well या हमारे गुड की खातिर जो uh, हम उसको यूज़ करते हैं इस बिना पर uh, वो हमारे लिए अहमियत रखती है यानी उसकी सिग्निफिकेंस इंसान के लिए इंस्ट्रूमेंटल हुआ करती है जबकि एक दूसरा पर्सपेक्टिव है जिसको हम नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव कहते हैं अगर इस पर्सपेक्टिव से हम नेचर को देखें तो फिर हम ये समझते हैं कि ना सिर्फ ये कि इंसान जो है वो एक इनहेरेंट वर्थ रखता है या सिर्फ इंसान ही की एक इंटेंसिक वैल्यू होती है बल्कि हम ये भी समझते हैं कि नेचर जो है वो भी एक इंटेग्रल पार्ट है जिसको हम इंसान से अलग नहीं कर सकते तो वैल्यूज़ के रेफरेंस से जो फुटिंग हम ह्यूमन बीइंग को देते हैं वही फुटिंग जो है हमें नेचर को देनी चाहिए यानी हम नॉन एंथ्रोपोसेंटिक परस्पेक्टिव में इंसान और फितरत जो है उसके माबेन इस तरह से कोई फ़र्क नहीं कायम करते कि इंसान जो है उसके लिए तो मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं इंसान जो है वो तो इंटरनजिक वैल्यू रखता है लेकिन नेचर जो है वो इंटरेंजिक वैल्यू नहीं रखती उसके लिए हमारी कोई मॉरल कंसिडेशन या हमारी कोई मॉरल ऑब्लिगेशंस नहीं है नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव में हम नेचर को उसी तरह का मॉरल राइट right देते हैं जो मॉरल राइट right हम इंसान को प्रोवाइड करते हैं अब ये जो दो परस्पेक्टिव जिनका अभी मैंने जिक्र किया एंथ्रोपोसेंट्रिक परस्पेक्टिव और नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव इन्हीं परस्पेक्टिव को आप जहन में रखिए और ये देखिए कि नेचर जो है उसकी एक्सप्लाइटेशन के लिए उसकी यूज़ के लिए जो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो हमारे सामने आएंगे कुछ लोग जो हैं उन्होंने ऐसे आर्गूमेंट दिए हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि आ, दीज आर फॉर दी यूज़ एंड एक्सप्लाइटेशन ऑफ़ नेचर यानी हमारे पास कुछ ऐसे आर्गमेंट हैं कि जिनकी बिना पे हम ये कह सकते हैं कि हम नेचर को एक्सप्लाइट या उसको यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा आज हमने ये भी डिस्कस करना है कि नेचर को एक्सप्लाइड या उसको यूज़ करने के अगेंस्ट जो आर्गुमेंट हैं वो कौन से आर्गुमेंट हैं फिर हम एक मॉडरेट पोजीशन जो है उसको भी देखेंगे और आखिर में हम ये देखेंगे कि एक ह्यूमन बीइंग की हैसियत से मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं मेरी कौन सी मॉरल ऑब्लिगेशनस हैं जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं यानी क्या एज़ एन इंडिविजुअल मेरी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं कि मैं कुछ ऐसे अकदाम उठाऊं मैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करूं कि जिससे मैं हेल्प आउट कर सकूं एनवायरमेंट को प्रिज़र्व करने और इसको प्रोटेक्ट करने यानी मेरी कौन सी मॉरल ऑब्लिगेसन है जो कि एनवायरनमेंट के लिए होनी चाहिए इसके अलावा हमने ये भी देखना है कि एक सोसाइटी में रहते हुए एक स्टेट का भी वजूद होता है तो स्टेट की क्या रिस्पांसिबिलिटी बनती हैं गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं कि वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए आ, क्या आ, उसके प्रैक्टिकल मेयर्स जो हैं वो उसको लेने चाहिए तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आ, जो आर्गुमेंट पेश किए जाते हैं एनवायरनमेंट को एक्सप्लायर करने के लिए या यूज़ करने के लिए वो आर्गुमेंट क्या है? सबसे पहला जो एक स्ट्रॉग किस्म का आर्गुमेंट आता है वो उसके अंदर ये कहा जाता है कि इंसान जो है वो आ, उसको एक डोमिनियन हासिल है यानी इंसान को एक आका का एक आ, किंग का रोल इस कायनात के अंदर दिया जाता है जिसके लिए ये सारी कायनात जो है वो उसको आ, उसके पर्पस को फुलफ़िल करती है उसके एम को फुलफ़िल करती है यानी सब आर्डिनेट हैसियत जो है वो नेचर की है और डोमिनेंट हैसियत जो है वो इंसान की बन जाती है यानी नेचर जो है इसकी अपनी कोई इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं है अगर नेचर की कोई हैसियत है उसकी सिग्निफिकेंस है तो सिर्फ इतनी है कि वो इंसान के जो मकासद हैं उसको फुलफ़िल कर रही है ये जो डोमिनियन ओवर नेचर का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया है इसकी डिफरेंट रीज़न है और आ, एक रीज़न जो है वो इसकी हमें रिलीजन के अंदर नज़र आती है यानी रिलिजन ने इंसान को इस कायनात के अंदर एक डोमिनेंस जो है वो प्रोवाइड की है यानी अगर हम ख़ास तौर पे वेस्टर्न रिलिजन जो हैं जिसमें जुड़ो क्रिश्चियन ट्रेडिशन है इसको देखें तो बहुत सारी टीचिंग ऐसी हैं जो इंसान को दी गई हॉली स्क्रिप्ट के अंदर और ये जो रिलीजस टीचिंग के अंदर यानी रिलीजस स्क्रिप्चर्स के अंदर बताया गया कि इंसान को आ, इस कायनात में एक ऐसी डोमिनेंस है कि जितनी मखलूक अर्थ के ऊपर हैं उसके ऊपर भी डोमिनेंस है जितनी मखलूक़ात जो हैं वो फ़ज़ाओं में हवाओं में उड़ने वाली है उसके ऊपर भी डोमिनेंस है और जो समंदरों के अंदर दरियाओं के अंदर मखलूक हैं उसके ऊपर भी इंसान की डोमिनेंस हैं तो ये एक आ, डियोलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ पे इंसान जो है उसको डोमिनेंस दी गई है और नेचर जो है उसको एक तरह से सबऑर्डिनेट करार दिया गया है इंसान का दूसरी अहम बात इसके अंदर ये है जो रिलीजस कॉन्सेप्ट है कि जो स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट है जो एलिमेंट डिवाइन एलिमेंट जिसको कहा जाता है जो खुदा की तरफ से गॉड की तरफ से जो इंसान के अंदर आता है और जो स्पेट uh, का वो एलिमेंट जो गॉड में है वो इस दुनिया के अंदर सिर्फ इंसान के अंदर है अब चूँकि इंसान एक ऐसी uh, मखलूक है इस निज़ाम कायनात के अंदर इस फितरत के अंदर कि जो आ, स्पेट की हामल है जिसके अंदर स्पिरिचुअल एलिमेंट है और किसी और मखलूक के अंदर चूँकि ये एलिमेंट नहीं है लिहाजा इंसान की इस स्पिरिचुअल एलिमेंट की वजह से इस डिफ़ाइन एलिमेंट की वजह से जो उससे गॉड की तरफ़ से मिला है वो उसकी सुपीरियरिटी बन जाती है वो उसकी डामिनंस बन जाती है अब चूंकि इंसान के अंदर स्पेट है लिहाजा सिर्फ इंसान जो है उसके पास मॉरल राइट्स हैं लिहाजा सिर्फ इंसान जो है उसके लिए हमारी मॉरल कंसिडरेशन होंगी अगर हम कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं तो सिर्फ इंसान के लिए करेंगे और उसके पीछे यही बुनियादी वजह है कि ह्यूमन बींग इज़ द ओनली क्रिएचर ऑन दिस अर्थ डेट कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ स्परिचुअलिटी एंड डेट स्परिचुअलिटी कम्स फ्राम दी गाड और नेचर के अंदर चूंकि ये एलिमेंट नहीं है लिहाजा हमारी कोई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस नेचर के लिए नहीं है जो स्पेट लेस है या जिसके अंदर स्परिचुअल एलिमेंट नहीं पाया जाता एक तो ये कॉन्सेप्ट है जो हमें रिलिजन ने प्रोवाइड किया के इंसान को डोमिनेंट बनाया गया और नेचर को जो है उसका खिदमतगार करार दिया गया और दूसरी बात इसके अंदर ये कि स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट सिर्फ इंसान के साथ उसको मुंसलिक किया गया बाकी नेचर के साथ उसको मुनसलिक नहीं किया जाता इसी वजह से जो मॉरल राइट्स हैं और मॉरल ऑब्लिगेशन जो हैं इनका सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग से कंसर्न है और नॉन ह्यूमन कंटेंट और नेचर में जो कुछ भी है जो स्पेटलेस है उससे हमारा कोई मॉरल सरोकार नहीं रहता दूसरा जो एक डोमिनेंट व्यू है वो हमें मिलता है साइंस हमें प्रोवाइड करती है क्योंकि उसके तहत ये कहा जाता है कि इंसान जो है वो इस कायनात के अंदर हाईली एवॉल्व क्रिएशन जो है वो ह्यूमन बीइंग है यानी जो एवोल्यूशन के प्रोसेस में से जो जितनी भी मखलूक़त गुजरी हैं उसमें इंसान जो है वो नेचुरल ऑर्डर के अंदर सबसे ऊपर आता है यानी हाइस्ट पोजीशन जो है वो इंसान की है इस नेचुरल ऑर्डर के अंदर और उसकी वजह यह है कि इंसान के पास एक ब्रेन है और इस ब्रेन से वो सोचता है वो रीज़न करता है वो चीज़ों को इन्वेंट करता है ये सलाहियत सोचने की सिर्फ इंसान के अंदर है और ये सलाहियत किस वजह से आई कि उसके पास ब्रेन है और ब्रेन जो है दिमाग जो है या जहन जो है ये एवोल्यूशन का एक ऐसा एक ऐसे प्रोसेस में से गुजरा है इंसान के वो अब उसका जो बिहेवियर है उसको हाईली एवोल्ड बिहेवियर कहा जाता है तो वो मखलूक जिसके पास हाईली इवॉल्व बिहेवियर होगा हमारी जो मॉरल कंसडेशनस जो हैं वो सिर्फ उसी मखलूक के लिए होगी अब ये जो नेचुरल ऑर्डर या एवोल्यूशन का जो आर्गूमेंट है ये हमें बताता है कि इंसान के पास ये कैपेबिलिटी है उसकी रीज़न की वजह से उसके ब्रेन की वजह से कि वो इस कायनात के ऊपर कंट्रोल कर सकता है और जैसा कि हमें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि इंसान ने अपने से जो ताकतवर चीज़ें हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल हासिल किया हुआ है और ये सिर्फ़ उस ब्रेन एक्टिविटी की वजह से है लिहाजा जब हम ये कहते हैं कि इंसान जो है वो एक नेचुरल ऑर्डर के अंदर एक जो एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है उसमें अगर वो हाईएस्ट मकाम के ऊपर है तो यही मकाम जो है उसे दुनिया के अंदर मिलना चाहिए और उसकी एक तरह से डोमिनेंस जो है वो इस एवोल्यूशन की वजह से या उस नेचुरल ऑर्डर में एक टॉप जो उसकी हैसियत है या रैंकिंग है उसकी वजह से उसकी एक डोमिनेंस जो है नेचर के ऊपर बनती है और वो नेचर के ऊपर कंट्रोल करता है इसके अलावा हम देखते हैं कि जो आर्गुमेंट पेश किया जाता है कि इंसान नेचर को एक्सप्लायर कर सकता है उसको यूज़ कर सकता है एक और आर्गुमेंट इस सिलसिले में जो पेश किया जाता है वो ये है कि ह्यूमन बीइंग के पास रीजनिंग है जबकि जो बाकी नेचर है उसको ब्लाइंड करार दिया जाता है उसके पास रीजनिंग नहीं है अब ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से इंसान की जो आ, उसकी एक टॉप हैसी कायनात के अंदर आ जाती है या फिर वो एक एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव जो है उससे नेचर को देखा जाता है कि नेचर तो ब्लाइंड है नेचर के पास तो रीजनिंग नहीं है अब वो क्रिएचर वो मखलूक जो इस कायनात के अंदर इस ज़मीन के ऊपर जिसके पास ये सलाहियत हो कि वो रीज़न कर सके लिहाजा ये रीज़न की वजह से इंसान के पास जो एक 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 सलाहियत है रीजनिंग की जो एक सलाहियत है इसकी वजह से इंसान की एक तरह से डोमिनेंस जो है ओवर नेचर डेवलप की जाती है कि वो एक कंप्लीट डोमिनेंट रखता है नेचर के ऊपर और उस नेचर को कंट्रोल भी कर सकता है क्योंकि नेचर जो है वो ब्लाइंड है नॉन रीजनिंग है सो रीज़न हैज़ अ प्रिविलेज टू बिकम डोमिनेंट ओवर दोज थिंग्स विच जो जिनके पास रीज़न नहीं है जो नॉन रीजनिंग एलिमेंट्स हैं इस काय के अंदर उनके ऊपर इनकी प्रायोरिटी बन जाती है एक और अहम जो आर्गमेंट यहाँ पर पे पेश किया जाता है वो ये है कि सिविलाइजेशन जो है वो नेचर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यानी इंसान का एक सिविलाइज तरीके से रहना सिविलाइजेशन का फैलना उसके अंदर एक्सपेंशन आना विल्डरनेस को कन्वर्ट करना इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट करना उसको हाउसिंग कॉलोनीज के अंदर जो है कन्वर्ट करना इसके पीछे भी एक रिलीजस टीचिंग है और यहाँ पे ख़ास तौर पे मैं पॉइंट आउट करूँगा प्यूरिटन्स प्यूरिटन एक ऐसा रिलीजस स्कूल ऑफ थॉट है कि जिसके नज़दीक विल्डरनेस जो है वो कर्स है वो इंसान के लिए एक तरह से ईवल है अब उस ईवल को उस विल्डरनेस को सिविलाइजेशन के अंदर कन्वर्ट करना उसको वहाँ पे आबादियाँ बनाना उसको वहाँ पे इसी तरह से जो ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस जो हैं इनको डेवलप करना जो है प्यूरिटन्स के नज़दीक एक रिलजस ड्यूटी है यानी प्यूरिटन का ये मौक़ था कि जितनी भी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी होती है डैट इज़ अ साइन ऑफ़ गॉड्स ग्रेस बल्कि उनका यह ख़याल था कि हम जब वर्किंग करते हैं विल्डरनेस के ऊपर वर्किंग करते हैं और उस विल्डरनेस को जब हम कन्वर्ट करते हैं सिविलाइजेशन के अंदर तो ये सिर्फ़ हम यूटेटेरियन रीजनस की बिना पर नहीं कर रहे होते बल्कि ये हमारी एक रिलीजस ड्यूटी होती है जिसको हम आ, परफॉर्म कर रहे होते हैं सो मटीरियल प्रॉस्पेरिटी फॉर द प्यूरिटन्स जो एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है तो ये सिविलाइजेशन जो है इसको नेचर नेचर एज सच में अगर हम हम विल्डरनेस को ले आएँ तो विल्डरनेस की बजाय जो ह्यूमन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको डेवलप करना जो है वो भी एक तरह की रिस्पांसिबिलिटी बन जाती है इसमें हम साइंस को ला सकते हैं इसमें हम इंडस्ट्री को ला सकते हैं इसके अंदर जो Uh, मुख्तल uh, हमारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं जब हम उनसे फ़ायदा हासिल करते हैं तो जाहिर है कि एक सिविलाइजेशन आती है और सिविलाइजेशन इस मोर इम्पॉर्टेंट दैन नेचर अब चूँकि सिविलाइजेशन के लिए हमें uh, इंसानी इंस्टीट्यूशनस जो हैं उनको कायम करने के लिए इंडस्ट्री को कायम करने के लिए न्यू न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनकी वर्किंग के लिए हमें जाहिर है कि नेचर को यूज़ करना पड़ेगा उसको एक्सप्लाइट करना पड़ेगा सो so, चूंकि ये ह्यूमन इंस्टीट्यूशनस जो हैं जो एक सिवलाइजेशन को ज़ाहिर करते हैं वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं लिहाजा हम इन ह्यूमन इंस्टीट्यूशनस को डेवलप करने के लिए वी कैन यूज़ वी कैन एक्सप्लाइट नेचर एक और नुक़ नज़र यहाँ पर पाया जाता है जिसको हम सेंसेंसिज़म के साथ रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हमने जो की टर्मिनोलॉजी एथिकल इसकी एनवायरनमेंट एथिक्स की जो हमने देखी है उसमें सेंसेंसिजम एक ऐसा नुक्ता नज़र है जिसमें यह कहा जाता है कि हमारी एज ए ह्यूमन बीइंग मॉरल ऑब्लिगेशन सिर्फ उस क्रिएचर के लिए है कि जिसके पास सोचने की सलाहियत है जिस जो मेंटल एक्टिविटी जो है उसको परफॉर्म कर सकते हैं या उसकी मेंटल कैपेसिटी रखने वाली जो क्रिएचर है उसके लिए हमारी एक तरह से मॉरल कंसीडरेशंस होती हैं या मॉरल कंसर्न होता है यहाँ पे इसी नुक्ता नज़र को एक आर्गूमेंट बनाया गया है कि मॉरल राइट्स और ऑब्लिगेशन जो हैं इसका सिर्फ़ और सिर्फ ताल्लक़ जो है ये हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग को असाइन करते हैं यानी ह्यूमन बीइंग के अलावा जितना भी नॉन ह्यूमन कंटेंट है हम उसको अपने मुफाद की खातर यूज़ कर सकते हैं उसको एक्सप्लायर कर सकते हैं यानी मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आ, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए है क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है उसका एक मॉरल राइट right है ह्यूमन बीइंग का मॉरल राइट right जो है वो मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाती है और ये मॉरल राइट right जो है चूँकि सिर्फ ह्यूमन बींग को असाइन किया गया है कि वो एक मैंटल कैपेसिटी रखने वाला एक बीइंग है या वो एक आ, मखलूक है तो जो आ, राइट नेचर को यानी जो राइट हम इंसान को देते हैं वो हम नेचर को राइट नहीं दे सकते चूँकि हमने मॉरल राइट नेचर को नहीं दिया लिहाजा आई एम फ्री टू यूज़ एंड एक्सप्लाइट नेचर मैं जिस तरह से चाहूँ अपनी हसीयत के मुताबिक, अपनी तोफ़ी के मुताबिक अपनी कैपेसिटी के, के मुताबिक जो नेचर है उसको यूज़ कर सकता हूँ और एक्सप्लाइड कर सकता हूँ अपने मकासद को पूरा करने के लिए तो ये वो आर्गमेंट हैं जो नेचर को यूज़ करने और औरप्लाइड करने के लिए पेश किए जाते हैं अब एक और पर्सपेक्टिव जिसके अंदर हमने नेचर और मैन के रिलेशनशिप को देखा था जिसको हम नॉन एंथ्रोपोसेंटिक पर्सपेक्टिव कहते हैं यानी वहाँ पे हमने ये देखा था कि इस पर्सपेक्टिव से जब हम कायनात को नेचर को देखते हैं तो हमारा एटीट्यूड डिफरेंट होता है ये जो दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ आप इसको समझें कि हमारे पास दो मुख्तलफ़ कलर्स की एनकें होती हैं अगर आप जब आपकी एन के जो शीशे हैं वो ग्रीन कलर के हों और वो पहन के जब आप दुनिया को देखेंगे तो जाहिर है कि आपको दुनिया ग्रीन नज़र आएगी सब्ज़ सब सब नजर आएगी लेकिन अगर आपके एन के जो शीशे हैं वो मुख्तलिफ़ हों अगर आपने येलो कलर के पहने हैं तो दुनिया आपको येलो येलो नज़र आएगी ये असल में एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव और नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव ये दो डिफरेंट आउटलुक हैं अब जब हम डिफरेंट आउटलुक से जब हम मुख्तलिफों से यूँ समझिए कि जब हम मुख्तलिफ़ एनकों से इस दुनिया को देखेंगे तो वो हमें उसी रंग की नज़र आएंगी जिस रंग की हमने एनक पहनी होती है जब हम नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से मैन और नेचर के रिलेशनशिप को देखेंगे जब हम एक ऐसे आउटलुक से जो एंथ्रोपोसेंटिक से डिफरेंट है जिसमें सिर्फ इंसान जो है उसको इंटरेंसिक वैल्यू असाइन नहीं की जाती बल्कि नेचर को भी एक इनहेरेंट वर्थ जो है वो असाइन की जाती है ये नेचर को भी ये समझा जाता है कि उसकी भी एक इंट्रेंसिक वैल्यू है तो फिर नेचर हमें डिफरेंट किस्म की नज़र आती है तो हम जब नॉन एंथ्रोपोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से हम दुनिया को देखते हैं कायनात को देखते हैं नेचर और जो इसके अंदर नेचर है हम उसको देखते हैं जब हम एनवायरनमेंट को देखते हैं तो फिर हमारी डिफरेंट फीलिंग हुआ करती हैं तो इसी पर्सपेक्टिव में आ, कुछ जो मॉरल फिलोसफर्स हैं उन्होंने ऐसे आर्गमेंट्स पेश किए हैं जिनके जिनको कहा जाता है कि ये वो आर्गूमेंट हैं जो इस नेचर को यूज़ करने और इसको एक्सप्लॉइट करने के अगेंस्ट है इसमें सबसे पहला आर्गुमेंट जो है आ, वो है मोनेस्टिक होलिज्म वर्सेस डोमिनियन एंड डोमिनेशन। एक नुक्ता नज़र हमने आ, देखा है कि जिसको होलिज्म कहते हैं होलिज्म ये होता है कि इंसान और नेचर ये दोनों मिलके एक मॉरल कम्युनिटी बनाते हैं यानी हमारी जो मॉरल कम्युनिटी है उसके अंदर नेचर भी शामिल है और उसके अंदर ह्यूमन बीइंग भी शामिल है हम नेचर को इंसान से अलग नहीं करते हमारा जो आउटलुक जो है वो एक तरह से होलिस्टिक होता है जब हम किसी चीज़ को हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हम फिर अलग अलग नहीं करते हम इंसान को कोई अलग खाने में नहीं रखते और नेचर को किसी अलग खाने में नहीं रखते यहाँ पे जब हम उन सब को यानी नेचर को और इंसान को एक खाने में रखेंगे तो हम इंसान और नेचर को एक ही सतह के ऊपर इक्वल फुटिंग के ऊपर ट्रीट करेंगे और हम ये समझेंगे कि ह्यूमन बीइंग्स और नेचर जो हैं वो एक होल के पार्ट हैं इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते इनमें से हम किसी को आ, कोई डोमिनेंट रोल नहीं दे सकते और किसी को उसका सब ऑर्डिनेट नहीं बनाते तो ये एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब नेचर को देखा जाता है तो फिर ये डोमिनेंस की बात ख़त्म हो जाती है ये जो सब ऑर्डिनेट की बात है ये भी ख़त्म हो जाती है अब यहाँ पे ये जो इस सिलसिले में आर्गुमेंट दिया गया कुछ लोगों का ये ख्याल है कि रिलीजन के हवाले से ये जो आर्गूमेंट दिया जाता है जिसके अंदर डोमिनेंट और सब ऑर्डिनेट ग्रुप बनाए जाते हैं कि इंसान डामिनेट है और नेचर जो है वो सब ऑर्डिनेट है ये उन्होंने कहा कि ये रिलीजस टीचिंग को मिस इंटरप्रेट किया गया है या फिर उनको इस तरह से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है उसे पेश किया गया है पहली बात तो ये है कि जो रिलीजस टीचिंग हैं उनके बारे में मिस इंटरप्रटेशन हो सकती है और दूसरी ये है कि वो यहाँ पर इेलीवेंट है उनका कोई रेलिवेंस नहीं बनता क्योंकि बहुत सारी ऐसी मजहबी तालीमात भी हैं कि जिसमें जो एनिमल्स हैं अदर दिन ह्यूमन जो कॉन्टेंट है उसकी अहमियत को बताया गया है उसकी सिग्निफिकेंस को बताया गया है हज़रत नू का वाक़ इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी हमारे पास शहादत के तौर पर एविडेंस के तौर पर मौजूद है कि उस कश्ती नू में जिन चीज़ों को सवार किया गया उसमें अल्लाह ताला ने हज़रत नू से ये वादा लिया था कि वो उसमें इंसानों के अलावा जो जानवर हैं उनके जोड़े भी उस कश्ती में सवार होंगे तो जब एक सर्वाइवल की बात थी उसके अंदर तो उस सर्वाइवल में सिर्फ़ इंसान के सर्वाइवल की बात नहीं की गई बल्कि एनिमल्स के सर्वाइवल को भी उन्हीं फुटिंग्स के ऊपर ट्रीट किया गया तो एक ख्याल ये किया जाता है एक ख्याल ये भी है कि रिलीजस टीचिंग जो है उसको मिस इंटरप्रेट किया गया है और रिलीजन इस किस्म का कोई डोमिनेंट और सब ऑर्डिनेट का जो कॉन्सेप्ट है वो पेश नहीं करता और रिलीजन इस यानी इस हद तक इंसान की जो सुपीरियरिटी है वो नहीं बताई बल्कि यहाँ पे रिलीजस टीचिंग जो है वो आ, उसको आउट ऑफ कंटेक्स्ट पेश करके एक आर्गूमेंट सामने लाया गया विच वॉज़ फॉर दी यूज़ एंड एक्सप्लाइटेसन ऑफ नेचर एक और बात जो हमने देखी कि हमने ये कहा कि रीज़न एक ऐसी कैपेसिटी है एक ऐसी सलाहियत है इंसान के पास कि जिसकी बिना पे क्योंकि इंसान का जो लेवल है इंटेलिजेंस का उससे कोई दुनिया के अंदर कोई चीज़ मैच नहीं करती लिहाजा इंसान को इस इंटेलिजेंस की वजह से इस ब्रेन की जो उसके पास एक एक तोहफ़ा है इसकी वजह से इंसान को एक आटोमेटिकली वो इंसान जो है उस वो इंटाइटल्ड हो गया कि उसको डोमिनेंस दे दी गई नेचर के ऊपर ये कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि अब देखिए ना अगर आप एवोल्यूशन के प्रोसेस की बात करते हैं तो फिर एवोल्यूशन के प्रोसेस में कहीं रुक नहीं जाना होता तो इस चीज़ का इम्कान है कि आने वाले वक्त में इंसान की जगह जो है कोई एक ऐसा वक्त आ जाए कि इसकी जगह कोई और एडवांस्ड स्पीशीज़ जो है उसको रिप्लेस कर दिया जाए तो ये चूंकि इस किस्म के चांसेस मौजूद हैं एवोल्यूशन के प्रोसेस जो है इसके हवाले से हम बात कर रहे हैं तो ये कहना कि इंसान के पास रीज़न है तो लिहाजा आटोमेटिकली उसके पास ये इंटाइटलमेंट आ गई कि वो एक डोमिनेंट रोल उसका दुनिया के अंदर है या नेचर के ऊपर है ये भी दुरुस्त बात नहीं है तो ये यानी रीज़न को एक आर्गूमेंट बनाना इस सिलसिले में कि आप उसे ए, इस, ए, इस रीज़न चूँकि आपके पास है लिहाजा ये एक राशनल प्रोवाइड करना कि आप यूज़ कर सकते हैं एक्सप्लाइट कर सकते हैं ये इसको निगेट किया गया दूसरा ये है कि अगर हम एक प्रॉपर रिलेशनशिप को देखना चाहें इंसान के अंदर ये एक और आर्गुमेंट है जो यूज़ और एक्सप्लाइटेशन ऑफ नेचर के अगेंस्ट पेश किया जाता है उसमें ये है कि हमें इस रिलेशनशिप को ड्यूलिस्टिक हो के नहीं देखना चाहिए बल्कि इस रिलेशनशिप को एक मॉनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए जब हम मॉनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से या होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिलेशनशिप को देखते हैं तो फिर हम ये समझते हैं कि ह्यूमंस बीइंग जो हैं वो इस नेचर का एक इंटीग्रल पार्ट हैं यानी हम इंसान को नेचर से अलग नहीं कर सकते और ना ही हम नेचर को इंसान से अलग कर सकते हैं यानी जिस तरह से इंसान नेचर का एक इंटीग्रल पार्ट है इसी तरह से नेचर जो है वो भी इंसानों से इसी ए, रिलेशन, इसी ए, तरह रिलेटेड है कि वो भी एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है तो जब हम नेचर और मैन को एक दूसरे के साथ इस तरह से मुंसलिक करते हैं कि बोथ बिकम्स ईच अदर्स इंटीग्रल पार्ट तो फिर वहाँ से जो डोमिनेंट और सब ऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाता है एक और कि इंसान को ये कहना कि जी उसके पास रीज़न है लिहाजा उसकी डोमिनेंस उसको नेचर के ऊपर दे गई है तो लोगों ने कहा कि यार रीज़न का ये ये मतलब नहीं होता अब रीज़न का तो मतलब ये है ये आपके पास एक ऐसी सलाहियत है जो किसी और मखलूक के पास नहीं है इस सलाहियत की बिना पे आपका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर है वो तो बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अब देखिए ना एक बड़ी कंक्रीट सी मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा कि अगर किसी ख़ूबसूरत बागीचे में कोई गदा घुस जाए वो तो वहाँ जाके सारा उसको ख़राब कर देगा अब उसको तो नहीं पता कि वहाँ पे उस क्यारी की क्या ख़ूबसूरती है ब्यूटी क्या है वो फूलों की खुशबू उसके लिए तो अहमियत की हमल नहीं उसके लिए उस, उसकी कोई वक्त नहीं है कोई वैल्यू नहीं क्योंकि उसके पास रीज़न नहीं है लेकिन अगर कोई इंसान इस तरह से किसी बागीचे में या किसी बाग में जा के आ, वो उसको उजाड़ना शुरू कर देगा तो ज़ाहिर है हम उसको कहेंगे यार तुम किस किस्म की हरकतें कर रहे हो तुम्हारे पास अकल नहीं है तुम इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट ख़राब कर रहे हो तुम इतनी जो खुशबू देने वाली महक देने वाली जो चीज़ें हैं तुम उनको बर्बाद कर रहे हो इसका मतलब ये है कि ये एहसास इंसान के अंदर ज़्यादा होना चाहिए एनवायरनमेंट के बारे में नेचर के बारे में यानी रीजनिंग का ये मतलब नहीं है कि हम नेचर के ऊपर एक हमारा डोमिनेंस बन जाए और हम जिस तरह से चाहें अपने इंटरेस्ट की खातर अपने मफाद और अपने मकासद की खातर उसको एक्सप्लाइट करते फिरें या यूज़ करते फिरें बल्कि रीजनिंग का ये मतलब है कि हमारा जो बिहेवियर एनवायरनमेंट की तरफ होना चाहिए नेचुरल एनवायरनमेंट की तरफ होना चाहिए वो ज़्यादा रिस्पांसिबल होना चाहिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारे अंदर इस वजह से भी ज़्यादा होनी चाहिए कि सिर्फ़ हम एक ऐसी मखलूक हैं कि जिनके पास रीज़न है जबकि जो दूसरी मखलूक है उसके पास कोई ऐसी आ, चीज़ नहीं है ऐसी कोई रीज़न नहीं है तो बजाय इसके कि हम एक डोमिनेंस की बात करें या सब ऑर्डिनेट की बात करें तो हमारा जो एटीट्यूड है वो ज़्यादा केयरिंग होनी हमारा ज़्यादा मॉरल कंसर्न जो है वो नेचर के साथ होना चाहिए और दूसरी बात ये है कि इसी रीज़न के ज़रिए से इसी फ़हम के ज़रिए से इसी नॉलेज के ज़रिए से हम इस नेचर के बारे में एक ऐसा एटीट्यूड भी कायम कर सकते हैं कि जिस एटीट्यूड में हम नेचर को एक इंटेंसिक वैल्यू असाइन करते हैं हम सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक इंटेंसिक वैल्यू को नहीं रखते बल्कि हम ये भी समझते हैं और इस बात का शार हमें रीज़न जो है उसके लिए ज़रूरी है कि वो हमें इस बात का शा दे कि सिर्फ हम ही इस दुनिया के अंदर जो है इस कायन के अंदर कोई ऐसी मखलूक नहीं है जिनकी इहारेंट वर्थ है बल्कि ये इहारेंट वर्थ जो है वो नेचर की भी है क्यों है वो इस वजह से है कि नेचर जो है इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अस तो जब हम उसको एक इंटीग्रल पार्ट समझेंगे जब मैं नेचर को अपनी एक तरह से एक्सटेंडेड बॉडी समझूँगा तो फिर मेरी अकल मुझे ये बताएगी कि वो भी मेरे वजूद का हिस्सा है वो मेरी एक्सटेंडेड बॉडी है तो मैं अपने उस वजूद के हिस्से को कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा मैं उसको कभी एक्सप्लाइट जो है वो नहीं करूँगा एक और आर्गूमेंट जो नेचर को यूज़ या उसे एक्सप्लायर करने के लिए पेश किया गया उसमें ये कहा गया कि सिविलाइजेशन इस मोर इम्पॉर्टेंट दैन नेचर लेकिन वो लोग जो कि एनवायरमेंट को जो नेचर को यूज़ या एक्सप्लायर करने के अगेंस्ट हैं उनका ये कहना है कि नेचर जो है हम इसे इंसान से अलग नहीं कर सकते यानी नेचर जो है ये इंसान की बहुत सारी जो नीड्स हैं जो ज़रूरतें हैं इसके अंदर पाई जाती हैं और चूंकि ये इंसान की ज़रूरतें पूरी करती है इसलिए ये इंसान के लिए इसकी बहुत अहमियत है यानी इट हैज़ अ वाइटल सिग्निफिकेंस फॉर द ह्यूमन बीइंग अब चूंकि इसकी सिग्निफिकेंस है इंसान के लिए इंसान इससे अपनी ज़रूरतें पूरी करता है लिहाजा हमें कभी भी इसको इस तरह से ट्रीट नहीं करना कि हमने उसको अपना एक तरह से सबआर्डिनेट बना देना है ये जो सबआर्डिनेशन से मुराद ये कि जी हमने इंसान जो है वो तो बस उसका एक डोमिनेंट रोल रहेगा नेचर जो है उसकी कोई अहमियत नहीं क्योंकि नेचर की कोई अहमियत नहीं है लिहाजा हम इस नेचर को इन्वायरमेंट को जिस तरह से चाहें एक्सप्लायर कर सकते हैं जिस तरह से चाहें अपने मकासद में ला सकते हैं लेकिन जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं सिविलाइजेशन से मुराद ये है कि नई नई आबादियाँ होती हैं बस्तियाँ बनती हैं फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री सारा ये एक जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है इसके अंदर जितनी भी एक्सपेंशन होती है ये सारी सिविलाइजेशन को सगनफाया करती है अब नेचर को आ, यानी ये सिविलाइजेशन का फैलाव जो है ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि हम नेचर को बिल्कुल बर्बाद कर दें क्योंकि नेचर के वजूद के बग़ैर हमारा अपना वजूद कायम नहीं रह सकता इसका वजूद हमारे लिए ज़रूरी है मैंने कहा ना कि ये हमारी एक्सटेंडेड बाडी है अब अगर अगर हम अपने अगर नेचर को हम बर्बाद करेंगे तो इसका मतलब ये कि हम अपने पाँव के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने से ज़ाहिर है कि हमारे पूरे वजूद को एक तरह से तकलीफ़ होगी ये एक बड़ा अहम यहाँ पर मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक अमेरिकन आर्किटेक्ट हैं और उनका नाम है फ्रेंक लॉयड राइट उन्होंने एक ऑर्गेनिक आर्किटेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है हमें दिया है और ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर ये होता है कि हम अपनी जो बिल्डिंग्स हैं जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं कॉलोनीज़ बिल्डिंग्स वग़ैरह ये इमारतें बनती हैं वो फैक्ट्रीज़ के लिए भी हो सकती हैं कमर्शियल हो सकती हैं वो रहाइश के लिए हो सकती हैं तो जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं तो हमें उन बिल्डिंग्स को इस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए कि उनकी फ़िटिंगनेस हो नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर और एक तो ये है कि आप अगर इस किस्म की बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे जो फिटिंगनेस uh, हो जिनकी नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर एक तो आप उसकी जो ब्यूटी या वो जो एस्थेटिक एलिमेंट है उसको इंटैक्ट रखते हैं वो कायम रहता है और दूसरा उसका ये है कि इस किस्म की जो आर्गेनिक आर्किटेक्चर से डिजाइन की हुई जो बिल्डिंग्स होती हैं वो एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करती ये एक दिलचस्प रिपोर्ट है जो uh, 2005 अक्टूबर में जो आ, एक आ, बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर हुआ था अर्थ को एक की सूरत में तो उस रिपोर्ट के अंदर इस चीज़ को बड़ा हाई किया गया कि इंसानी जानों का जो जया है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिल्डिंग्स की वजह से हुआ यानी ये पॉइंट आउट किया गया कि ऐसे इलाके जिन जो हमारे हिली एरियाज़ हैं जहाँ पे ये आया तो वहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनाई गई थी वो उनकी एक तरह से वहाँ के जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके अंदर फिटिंगनेस नहीं थी आप देखिए ना हमारे जहन के अंदर जब हम पहाड़ों की कोई पेंटिंग बनाते हैं तो हमारे जहनों के अंदर एक ख़ास किस्म का आ, एक खाका होता है एक, 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 एक इमेज होता है कि वहाँ पे किस किस्म के घर होंगे वो जो पहाड़ी ट्रेडिशनल घर होते हैं लेकिन जब आप वहाँ पहाड़ों को काट के और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स जो हैं वहाँ पे खड़ी कर देंगे बड़े बड़े प्लाजा बना देंगे तो वो उस इलाके में एक तो ये कि ऑर्गेनिकली जो वो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसके साथ उनकी फ़िटिंगनेस नहीं बनती और दूसरा ये है कि खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा इस बात का अहतमाल है कि इंसानी जान जो है वो बहुत जाया हो जाती है तो ये आ, अगर हम सिविलाइजेशन के लिए नेचर को यूज़ भी करना चाहते हैं तो ये एक केयरफुल हमारा एक एटीट्यूड उसके बारे में हो सकता है तो ये आ, वो आर्गुमेंट हैं जो दिए जाते हैं कि नेचर को हमें इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए कि हम आ, एक डोमिनेंट रोल रखते हैं और नेचर जो है उसकी एक तरह से हैसियत जो है वो सब आर्डीनेट की बन जाती है हम जैसे चाहें जिस तरह से चाहें अपने मकासद के लिए नेचर को यूज़ कर सकें अब एक मॉडरेट पोजीशन भी है क्योंकि ये जो बोथ सेट ऑफ आर्गुमेंट हैं इनको कहा जाता है कि ये एक्सट्रीम पोजीशन है एक ये कहता है कि जी जो जो कहते हैं कि हम नेचर को यूज़ कर सकते हैं या एक्सप्लाइट कर सकते हैं वो टोटल सबऑर्डिनेशन की बात करते हैं यानी वो कहते हैं कि नेचर जो है वो तमाम की तमाम इंसान के एक तरह से वो उसकी ग़ुलामी के अंदर है या वो सबऑर्डिनेशन के अंदर है और दूसरे जो हैं वो एक और एक्सट्रीम है और वो कहते हैं कि जी नहीं इंसान और नेचर जो है उसको इक्वल फूटिंग जो है उसके ऊपर ट्रीट करना चाहिए हमें कोई फ़र्क जो है वो नेचर में और ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं करना चाहिए तो इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में एक मॉडरेट पोजिशन भी इख्तियार की कुछ लोगों ने उन्होंने कहा कि नेचर जो है बेशक बड़ी सिग्निफिकेंट है उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है इंसानी ज़िंदगी के लिए उसकी बड़ी अहमियत है लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हम उसको सेम फुटिंग के ऊपर ट्रीट करें जैसे हम दूसरे ह्यूमन बींग्स जो हैं उनके साथ हमारी जो मॉरल कंसिडेशनस या मॉरल ऑब्लिगेशन या जो मॉरल राइट right हम आ, अपने फैलो बीइंग्स को ह्यूमन बींग्स को साइन करते हैं ज़रूरी नहीं कि वही मॉरल राइट्स जो हैं हम नेचर को प्रोवाइड करें और दूसरी बात ये है कि हाँ जब हमने नेचर को यूज़ करना है तो उसमें हमारा जो एक एटीट्यूड है वो केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए यानी हम इंसान के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन इस तरह से नहीं कि हम बिल्कुल एक जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको तबाह तो बर्बाद कर दें हम एहतियात के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं हम यानी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिससे जो एनवायरनमेंट है उसको कोई ख़तरा लाख हो जाए या वो टोटली totally डिस्ट्रॉय हो जाए और एक और बात कि जो हॉलिस्टिक एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिसके अंदर हम ये समझते हैं कि नेचर और मैन जो है ये मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं ये नुक़ः नज़र जो मॉडरेट पोजीशन जो है ये काफ़ी हद तक हॉलिस्टिक पोजीशन के साथ इन लोगों का इतफ़ाक़ है लेकिन फिर वही बात कि हॉलिस्टिक पोजीशन के अंदर रहते हुए भी ये समझते हैं कि हमें नेचर जो है जब हम उसको इस्तेमाल करें तो इस हद तक करें कि हम किसी ऐसे मकाम तक ना पहुंच जाएं कि जहां पे वो रिट्रीव ना हो सके इट्रीवेबल जो जो लेवल है उस हद तक हमें नहीं जाना चाहिए हमें नेचर को प्रिजर्व भी करना है और उसको प्रोटेक्ट भी करना है तो हॉलिस्टिक पोजीशन को वो इस तरह से उन्होंने एक नई एक, एक मॉडिफाइड सी सूरत के अंदर बयान किया कि जब हम हॉलिस्टिक की बात करते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि हम नेचर के साथ एक ऐसी मॉरल कम्युनिटी बना लेते हैं जहाँ पे हमने नेचर को प्रिजर्व करना है और उसको प्रोटेक्ट करना है अब बुनियादी तौर पर ये जो हमारे एथिकल प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं इन्हें हम एनवायरमेंटल एथिकल इश्यूज कहते हैं ये तीन प्रॉब्लम हैं पहला प्रॉब्लम इसके अंदर है वेस्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स दूसरा है एक्सप्लाइटिंग मिस यूजिंग एंड प्लूटिंग दी एन्वायरमेंट और तीसरा है इसके अंदर एक्सप्लाइटिंग एबूजिंग एंड डिस्ट्राइंग एनिमल्स अगर हम इन तीनों एथिकल इश्यूज़ पे कंसंट्रेट करें तो हमें इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो एक ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेटेड हैं और वो ह्यूमन एक्टिविटी है जिसको हम बिज़नेस एक्टिविटी कहते हैं यानी नेचुरल रिसोर्स की जो एक्सप्लाइटेशन या उसको यूज़ किया जाता है ज़ाहिर है कि जितनी भी हमारी इंडस्ट्री जो है उसके अंदर हम नेचुर रिसोस को एक्सप्लाइट करते हैं या उन्हें यूज़ करते हैं और इंसान की जो लग्जरीज़ की उसकी आसाइश की उसकी बेनिफिट्स की चीज़ें उससे बनती हैं अब जब वो इंडस्ट्री चलती है तो उसका वेस्ट की जब डंपिंग होती है तो हम इन्वायरमेंट को पलूट कर देते हैं या हम समंदर के पानी को प्लूट करेंगे या दरियाओं को या नहरों को पलूट करेंगे या फिर जब वहाँ से धुआँ उठता है इंडस्ट्री से वो जो गैसेस निकलती हैं वहाँ से तो वो हमारे हमारी फ़जाओं को आलूदा करती हैं तो ये आलूदगी के साथ जो या नेचुरल रिसोर्स के इस्तेमाल के साथ जो इशू रिलेटेड हैं ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है जिसको हम बिज़नेस एक्टिविटी कहते हैं इसी तरह से एनिमल्स को भी यूज़ किया जाता है उनको बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आप देखेंगे तो आ, एक तरह से आ, हम इंसान उसको खाता भी है गोश्त भी उसका इस्तेमाल करता है उसकी फर को भी यूज़ किया जाता है स्किन को भी यूज़ किया जाता है तो ये सारी की सारी ये इंसानी एक एक्टिविटी है जो कि एनवायरमेंट में जो मसाइल हैं जो एथिकल इश्यूज हैं उसकी बुनियादी काश जो है वो एक ह्यूमन एक्टिविटी है अब ह्यूमन एक्टिविटी जिसको हमने कहा कि वो बिज़नेस एक्टिविटी है अब इस एक्टिविटी को अगर हम इसके ऊपर इसको आ, हम देखें इसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैं वो डिटर्मन करें जो भी इन एक्टिविट जो आ, जितने भी इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व हैं कि वो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं या वो इन्वायरमेंट को प्लूट कर रहे हैं या वो एनिमल्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अगर हम उनकी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सबिलिटीज़ जो हैं उसका एहसास दिलाएँ उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे ये सारी एक्सप्लाइटेशन हो रही है तो हम असल में एक तरह से एक अमली सूरत में हम एक प्रैक्टिकल सूरत में जो इनवायरमेंटल एथिक्स है उसको सामने लेके आते हैं अब देखिए ना मैं एज ए ह्यूमन बींग मेरा इन्वामेंट के साथ एक रिलेशन है मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी के लिए नेचर बड़ी अहमियत रखती है अब मेरा इसके बारे में कुछ कंसर्न होना चाहिए इसमें न सिर्फ ये कि सोसाइटी का इंडिविजुअल्स का कंसर्न होना चाहिए बल्कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की भी होती हैं अब जाहिर है कि ये जितनी भी एक्सप्लाइटेशन हो रही है नेचुरल रिसोर्स की हो रही है या इन्वायरमेंट प्लूट हो रहा है तो वहाँ पे एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है हमने यहाँ पे एक इंडिविजुअल की एक सोसाइटी की और एक स्टेट की जो मॉरल रिस्पांसिबिलिटी बन जाती हैं उनकी तरफ ख़ास तौर पे तवज्जो दे देनी है हमने ये देखना है कि एज ए ह्यूमन बीइंग जो है वो मेरा क्या कंसर्न होना चाहिए एनवायरनमेंट से मेरा कंसर्न ये होना चाहिए कि मैं उसको प्रिजर्व करना चाहता हूँ मेरा कंसर्न ये होना चाहिए कि मैं अवॉइडेंस ऑफ पोल्यूशन की मैं बात करता हूँ मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो मेरे लिए एक कंसर्न है डिप्लीशन ऑफ रॉ मटीरियल जो है वो मेरा कंसर्न होना चाहिए इसी के साथ साथ जो नॉइस पोल्यूशन है वो भी मेरा कंसर्न होना चाहिए जब तक ह्यूमन कंसर्न नहीं होगा हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए इनफरादी सतह के ऊपर इज्तमाही सतह के ऊपर और फिर हकूमती सतह के ऊपर कोई इकदाम नहीं उठा सकेंगे तो सबसे पहली जो बुनियादी बात है वो यही है कि बहसीत इंसान मेरा कंसर्न इन्वायरमेंट के साथ ज़रूरी बनता है अब जब हम इस कंसर्न को महसूस कर लेते हैं तो फिर हम ये समझते हैं कि एक सोसाइटी होने की हैसियत से एक जो स्टेट जो है उसका भी एक वजूद होता है अब सोसाइटी और स्टेट की जो रिस्पॉन्सबिलिटी बनती हैं उसको भी हमें जहन में रखना पड़ेगा पहली बात तो ये है कि हमारे कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको हम नॉन रीनएबल रिसोर्स कहते हैं तो ऐसे रिसोर्स जो कि नॉन रीनएबल रिसोर्स हैं उनका एक रिस्पॉन्सिबल यूज़ जो है वो मेरी मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाता है इसी के अलावा एक तस्वर ये भी है कि इंसान ने अपनी आसाइश के लिए बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया है अब जो ग्रोथ है वो सिर्फ़ सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए यानी इन्वायरमेंट को अगर मैंने प्रोटेक्ट करना है तो ज़ाहिर है कि फिर मुझे ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है जो इंसानों को लग्ज़री प्रोवाइड करने के लिए जो ग्रोथ में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है जो उसकी ज़रूरत से उसके तकाज़ों से ज़्यादा जो उसको परसुएट करके इंसान को प्रोवाइड किया जा रहा है ये अब ख़त्म होना चाहिए अब सिर्फ सस्टेनेबल ग्रोथ जो है वो इसकी बात होनी चाहिए इसी के अलावा मिनिमाइजेशन ऑफ पोल्यूशन होनी चाहिए स्टेट को कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए ऐसे सख्त कानून बनाने चाहिए कि वो जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ से जो पलूट एलिमेंट निकलते हैं वो वेस्ट की सूरत के अंदर हैं वो फ्यूम की सूरत के अंदर हैं उनको ट्रीट किया जाए इसी तरह से जब हम कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उस कंस्ट्रक्शन के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमने किसी पार्ट ऑफ़ नेचर को डिस्टर्ब किया है तो उसको फिर रिस्टोर भी करना जो है वो सोसाइटी की वो इंडिविजुअल की वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमने उन प्लांट्स की और उन एनिमल्स की जिनको हमने इंडेंजर स्पीशीज़ करार दिया है उनको हमने प्रिजर्व करना है क्योंकि आ, कायनात के इस निज़ाम के अंदर जिसको हम एक तरह से इकोसिस्टम भी कहते हैं इकोसिस्टम सिस्टम के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो गैर अहम नहीं हुआ करती हर चीज़ की एक अहमियत हुआ करती है ये तो आ, स्टेट की सतह के ऊपर या सोसाइटी की सतह के ऊपर एक जिम्मेदारियाँ हैं एक इंडिविजुअल भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है मसलन एक इंडिविजुअल जो है उसकी ये मॉरल ऑब्लिगेशन बनती है कि वो चूँकि उसकी हैसियत माशरे के अंदर एक कंज्यूमर की भी एक हैसियत बनती है मैं आ, बहुत सारी चीज़ें ख़रीद के लेके आता हूँ अब यहाँ पे आ, अगर मुझे ये पता चले कि ये जो प्रोडक्ट है किसी ऐसी फैक्ट्री की प्रोडक्ट है कि जिसने एनवायरनमेंट को प्लूट किया है या जिसने एनवायरनमेंट को जो है वो इिट्रेवेबल नुकसान पहुंचाया है डैमेज किया है तो मुझे उसकी प्रोडक्ट का बायॉट करना जो है वो मेरी एक मॉरल ऑब्लिगेशन बन जाती है इसी तरह से मेरे अंदर ये भी एहसास होना चाहिए कि मैं ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करूं कि जिनको रिसाइकल किया जा सके यानी नेचर के बारे में जो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सबिलिटी हैं एज़ एन इंडिविजुअल वो मुझे महसूस करना चाहिए ये एहसास इंसान के अंदर किस तरह से आता है देखें मोरालिटी जो है वो दो तरह की है एक को हम कहते हैं रूल एथिक्स और एक है जिसको हम एथिक्स ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। रूल एथिक्स के अंदर हमने किसी कानून को फॉलो करना होता है जब हम एनवायरमेंटल एथिक्स की बात करते हैं तो एनवायरमेंटल एथिक्स के अंदर एथिक्स ऑफ कैरेक्टर जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट हुआ करती है हो सकता है कि कोई कानून ऐसा ना हो कोई रूल ऐसा ना हो जो मुझे रोके लेकिन मेरा जब तक एक फ्रेंडली एटीट्यूड जो है वो एनवायरनमेंट के साथ पैदा नहीं होगा कुछ एहसास मेरे अंदर से एनवायरनमेंट के लिए पैदा नहीं होगा तब तक मेरे अंदर ये एहसास नहीं आएगा कि मेरी कुछ मॉरल एज एज़ एन इंडिविजुअल मेरी ऑब्लिगेशन है तो लिहाजा यहाँ पे कैरेक्टर एथिक्स जो है वो बहुत ज़रूरी है हमें अपना जो एटीट्यूड है उसको इस तरह से डेवलप करना है कि वो प्रो एनवायरनमेंट एटीट्यूड हो तभी हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो हमारी ज़िंदगी के लिए और आने वाली नस्लों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है इसी के साथ हम अपनी गुफ्तु को ख़त्म करते हैं आपका बहुत शुक्रिया आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में